दोस्तों, क्या आपको रामलाल याद है? फिल्म शोले के ठाकुर बलदेव सिंह का वो वफादार नौकर, जिनके बिना फिल्म शोले की कहानी शायद शुरू ही नहीं हो सकती थी। वही रामलाल जो कदम कदम पे ठाकुर बलदेव सिंह का साथ दिया था। बदले के आग में जलता हुआ ठाकुर जब जय और वीरू का तलाश कर रहे थे, तब जेलर साहब से ठाकुर को मिलाता है ये रामलाल ही। रामलाल ही एक जेलर को ठाकुर साहब से मिलाता है और उस जेलर के मदद से ही ठाकुर बलदेव सिंह को जय और वीरू का पता चलता है। भेंट होने के बाद जब वीरू ठाकुर साहब से पैसे का बात करता है, तब एडवांस का या पेशगी का पहला पैसा रामलाल के जरिए ही ठाकुर साहब उसे देते हैं। डाकू गब्बर सिंह के हाथों ठाकुर के खानदान तबाह हो जाने के बाद वो तो रामलाल ही था जो ठाकुर बलदेव सिंह को संभाला था, और रामलाल के वजह से ही ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे का बहू राधा की जान बच गई थी। वो तो रामलाल राधा को मंदिर लेके गया था, इसके वजह से वो बच गई। असल में हाथ कट जाने के बाद ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ तो था ये रामलाल ही। ये रामलाल का कैरेक्टर शोले का एक बहुत अहम किरदार था, लेकिन जिस हिसाब से शोले में अभिनय किया, सारे कैरेक्टर या सारे किरदार नाम कमाया, छोटे छोटे किरदार में भी कलाकार लोग मशहूर हो गए, चाहे वो अंग्रेज के जमाने के जेलर आसरानी हो या सूरमा भोपाली जगदीप हो या विजू खोटे के रूप में कालिया हो या सांभा के रूप में मैक मोहन हो या इमाम साहेब एक के हंगल और उनके बेटा अहमद के रूप में सचिन हो, सब कोई शोले से फेमस हो गए, लेकिन रामलाल थोड़ा अंडररेटेड या रामलाल का कैरेक्टर थोड़ा पर्दे के पीछे ही रह गया। यहां तक कि रामलाल का कुछ दृश्य जिसमें रामलाल का मौजूदगी था फिल्म में, वो एडिटिंग के समय उसे हटाना पड़ा। क्लाइमैक्स सीक्वेंस में ठाकुर बलदेव सिंह के जब डाकू गब्बर सिंह बुरी तरह से पीटता है और ठाकुर साहब के पैरों में एक कीला लगाया हुआ जूता होता है, जिस जूता से वो गब्बर सिंह के दोनों हाथों को बुरी तरह से जख्म करके अपना बदला लेते हैं, ये जूता रामलाल द्वारा तैयार किया गया था और रामलाल ये जूता ठाकुर साहब को सौंपा था। ये दृश्य का शूटिंग हुआ था, लेकिन ऐसे ही शोले फिल्म का लेंथ या लंबाई बहुत बड़ा हो जाने के कारण सेंसर बोर्ड के आदेश के अनुसार उसमें कुछ कटौती करनी पड़ी, जिसके चलते ये सीक्वेंस को फाइनली फिल्म में रखा नहीं गया, उसको हटाया गया। मुझे यकीन है आप मेरा इंतजार कर रहे हैं पिछले कई बरसों से। फिल्म शोले में रामलाल के किरदार को अंजाम दिए थे, रामलाल के भूमिका में अभिनय किए थे रंगमंच के शक्तिमान अभिनेता सत्येंद्र कपूर, जो कि सत्येन कप्पू के नाम से ही
मशहूर थे। शोले फिल्म की शुरुआत ही होता है कि रामलाल जेलर को लेके घोड़े पे सवार होके ठाकुर साहब के पास आता है, लेकिन असल में सत्यन कप्पू को घोड़ सवारी आता ही नहीं था। जब उन्हें ये पता चला था कि फिल्म में उन्हें घोड़े पे चढ़ के घोड़ सवारी करके काम करना है, तब वो थोड़ा डर गए थे। उस समय फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी उन्हें कॉन्विंस किए, उन्हें बहुत समझाए और उनके मन से डर निकाले। सत्येन कप्पू जी को घोड़ सवारी से डर था ये, लेकिन फिल्म का जो पहला दृश्य है, पहला जो सीन है जिस पे वो घोड़े पे सवार होके जेलर साहब को लेके ठाकुर के पास जा रहा है, ये सीन देखते हुए पता ही नहीं चलता है। सत्येंद्र कपूर उर्फ सत्येन कप्पू एक बहुत ही शक्तिमान बहुमुखी वर्सेटाइल अभिनेता थे। उनका जन्म हुआ था सन 1931 में पंजाब के पानीपत में। सन 1942 में वो रंगमंच में आए और इंडियन पीपल्स एंड थिएटर एकेडमी के साथ जुड़ गए। उनके पहले हिंदी फिल्म का नाम था काबुलीवाला। रविंद्रनाथ टैगोर के कहानी के साये में ये फिल्म बना था सन 1961 में। विमल रॉय निर्देशित फिल्म काबुलीवाला में सत्येन कप्पू द्वारा निभाया गया कैरेक्टर या चरित्र का नाम था मनोज बैनर्जी। सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरी आंखों के सामने है। क्या क्या बकवास करते हो, कौन हो तुम? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो या एक साजिश रचने वाला खूनखार शैतान या कॉमेडी रोल हो, सत्येन कप्पू जब भी पर्दे पे आए तभी वो सिनेमा प्रेमियों का मन मोह लिए। कल मैं कॉरपोरेशन का चुनाव जीत सकता हूं, परसों इस शहर का मेयर बन सकता हूं। बेशक समाज में तुम जैसे भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों की कमी नहीं, और मैं शहर में भेड़ियों की हुकूमत नहीं होने दूंगा। अपने 55 साल के फिल्मी करियर में सत्येन कप्पू जी ने तरह तरह के भूमिकाएं निभाए, खलनायक से लेके कॉमेडियन तक सभी क्षेत्र में उनका प्रदर्शन बहुत ही दमदार रहा। अमिताभ बच्चन के कुछ सुपरहिट फिल्म में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं, जिनमें से उल्लेख करने लायक है जंजीर, दीवार, मजबूर, शोले, बेनाम, काला पत्थर, डॉन, मिस्टर नटवरलाल, नमक हलाल, कुली और शराबी। उनका आखिरी फिल्म रिलीज हुआ था सन 2006 में सरहद पार। सत्येन कप्पू डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे और इसी के चलते सन 2007 में वो हम लोगों को छोड़ के चले गए।